नागपुर शहर के कई ऐसे गायक कलाकार हैं, शहर में लॉकडाउन होने से उनके सभी प्रोग्राम पूरी तरह से बंद है। ऐसे में उन तमाम कलाकारों के परिवार का गुजर बसर करने के लिए कुछ ऐसे कलाकारों की टीम आगे आई है जो उनको अनाज बांट रही है। आइए डालते हैं एक नजर। लॉकडाउन होने से पहले शहर के कई परिसर में गायक कलाकार द्वारा कई मनोरंजन के कार्यक्रम किए जाते थे, मगर अफसोस कि जब से लॉकडाउन हो चुका है गायक कलाकार अपने घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जो हमेशा मंच साझा करके गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए दो पैसे कमाते थे, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन जब से कोरोना वायरस की जनजागृति एवं रोकथाम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने शहर और पूरे देश को लॉकडाउन किया है, जिसके चलते लोग अभी अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, ऐसे में गायक कलाकार भी उससे अछूते नहीं हैं, जिससे उन्हें भी भूखे मरने की उनके ऊपर में नौबत आ पड़ी है। ऐसे में एक साथी दूसरे साथी के काम आता है, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कुछ संगीत के ऐसे गायक कलाकारों की टीम ने अपने तमाम गायक कलाकारों को अनाज का वितरण किया है। इस बारे में गायक कलाकारों ने जानकारी दी। इसमें गेहूं, चावल, तेल, मतलब रोजमर्रा की जो चीजें है वो सारी किट, आलू, प्याज, सब्जी के साथ में सारी एक किट बनाई गई है और जो जरूरतमंद कलाकार है वो उन्हीं को दी जा रही है। और सबके अभी करीबन हम लोगों ने 100 कलाकारों को ये किट बांटे है और अभी हमारे पास में और 150 किट आने वाली है, तो हम और बाकी जो बचे कलाकार हैं उनको भी देने वाले हैं। ये बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन 8 मार्च को हमने पहले 50 किट बांटी थी और आज 50 बांटी है और कल और 50 बांटने वाले हैं। और नागपुर शहर में कलाकार काफ़ी है, 500-600 कलाकार है और उसमें ऐसा है कि कलाकार जो है स्वाभिमानी होता है, मांगता नहीं है कभी किसी को, इसलिए हम कलाकारों को ही हेल्प कर रहे हैं, इसमें कोई बाहर का नहीं है। तो आज जैसे हमने 50 बांटे हैं और कल और 50 बांटने वाले हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल है यारो। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंदों के काम आ सकते हैं तो लोग ऐसे के जो सही मायने में आज सामने में आ रहे हैं और उन लोगों को पूरी तरह से सहायता करते हुए, सहयोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी क्रम में ये तमाम शहर के कलाकार जो कभी कभार आपके हर प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की, आज वे लोग एक दूसरे को मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे और बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। लॉकडाउन के इस शहर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।